देखो अनमोल, साफ साफ बताना तुमको कैसे पता चला कि आदि हमारा बेटा है, और तुम सोनिया को कैसे मिली? तुम जानती हो उसको? और अगर जानती हो तो ये भी जानती होगी कि आज 7 साल बाद वो वापस क्यों आई है। कहीं तुम दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रही हो ना? हो सकता है, क्योंकि हमने तुमको घर से जाने के लिए कह दिया था, तुम्हारा प्यार ठुकरा दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए हो सकता है। सच सच बताना, तुमने सोनिया को अपने साथ शामिल किया या फिर सोनिया ने तुमको अपने साथ? कुछ तो है जो तुम हमसे छुपा रही हो। हाँ ऋषि, हम आपसे कुछ छुपा रहे हैं जो सोनिया जी हमको सर्कस वाली जगह पे मिलके बताई थी। आप इतना सालों बाद कनाडा से वापस क्यों आ गई? मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है। मैं 1 महीने की ही मेहमान हूं, इसीलिए इंडिया वापस लौट कर आई ताकि मैं तुमसे हेल्प मांग सकूं। लेकिन हम आपके क्या हेल्प कर सकते हैं? एडी की मां बनकर, उसकी यशोदा मैया बनकर। एडी मेरा और ऋषि का बच्चा है और तुम ऋषि की पत्नी हो। लेकिन अब हम उस घर में कुछ भी नहीं है, एक ऋषि का सहारा था पर उन्होंने भी हमको रुकने के लिए नहीं कहा। कानूनन तुम अभी भी उसकी पत्नी हो और मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को एक माँ और बाप दोनों का प्यार मिले, और मैं ऋषि को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो इतनी आसानी से ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होगा, और ये काम तुम्हें करना होगा। ऋषि से अपने बेटे को उसके असली घर पे जगह देना होगा ताकि मैं सुकून से मर सकूं और मेरा बेटा अनाथ ना रह जाए। अनमोल, वैसे तो मैं ऋषि की पहली प्यार थी और एडी उसी की निशानी है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है ऋषि इतनी आसानी से उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसी ने मुझे खुद कहा था एबॉर्शन करवाने के लिए। उसके लिए तो ये बच्चा अनचाहा होगा ना? इतनी जल्दी उसके दिल में अपने बेटे के लिए जगह नहीं बनेगी। मैं जानती हूं बस तुम ही हो जो मेरे बेटे को उसके पापा के दिल में जगह दिला सकती हो, तो इसीलिए तुम्हें वापस जाना होगा, मेरे लिए, एडी के लिए और मेरे बेटे को उसके पापा का प्यार दिलाने के लिए। और मैंने यहाँ आने से पहले तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया था। चलो, एक पल के लिए मैंने मान लिया कि ऋषि एडी को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन मुझे पता है ऋषि अकेले उसको नहीं पाल सकेगा। उसको एक माँ की प्यार की जरूरत है और वो प्यार सिर्फ तुम एडी को दे सकती हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे जिम्मेदार और काइंड हार्टेड लड़की ही ये काम कर सकती है। प्रॉमिस करो तुम मेरी बच्चे की माँ बनोगी, तभी मैं चैन से मर सकूंगी। और मेरी आखिरी इच्छा का इतना तो मान रखो, तुम्हें मिलने के बाद मैंने अभी तक आदि को नहीं बताया, वो बेचारा बच्चा है कैसे सह पाएगा। और तुम भी ऋषि को मत बताना। ये बात तुम्हें इसलिए बता दी क्योंकि तुम्हें ये बात जानना जरूरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम बहुत ही ब्रेव एक लड़की हो। लाइफ ने तुम्हें बहुत ही बुरे बुरे दिन दिखाए हैं और इसके बाद भी तुमने अपना आपा नहीं खोया है। एक मरती हुई माँ तुम्हारे सामने आज अपनी झोली फैला रही है।